अब तुम दोनों को स्कूल से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। समायरा, तुम इन दोनों को इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर सकती, आई बस समझ में? ओ रिया की बच्ची, अपना काम कर, समझी? My foot. Thank you, रिया, आप लोग की साइड लेने के लिए। वो जो उसके घोड़े के पूंछ जैसे ना भूरे कलर के बाल है ना, उसको खींच के नेक दिन। खैर छोड़ो, वैसे मैं सोच रही थी कि हम तीनों स्कूल के बाद ग्रुप स्टडी करें आज। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो मेरे घर पे चलते। ठीक है, हाँ क्यों नहीं, ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे यार, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई हेट मैथ्स। कोई बात नहीं रिंकी, बाबा प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। ठीक है। अरे यार रिया, रिंकी, क्या तुम दोनों मुझे एग्जाम में चीटिंग करवा दोगे? नहीं चिंकू, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें चीटिंग भी करवाना चाहूँ तब भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर बहुत पहले और तुम दूसरे क्लास में बैठोगे, और वैसे भी चीटिंग करने के लिए भी अकल की जरूरत है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और हाँ, अगर तुझे पास होना है ना तो ये मोबाइल रख के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे।